सो है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आरएस प्ले सुपर। हाँ, हो सकता है मेरी आवाज अभी के एंड आगे आने वाले कुछ नए वीडियोस में मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग सकती है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे खांसी एंड जुकाम वगैरह है। सो इस सब चीजों को साइड रखते हुए आज की वीडियो होने वाली है ब्लीच पर एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुनसुई के बानकाई के बारे में, जिसमें हम इसके पावर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम सारे मांगा रिलेटेड इंसिडेंट्स को कवर करने वाले हैं। सो अगर आप एनिमे ओनली व्यूअर हो और अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप यही पर वीडियो रोक सकते हो, वरना आप आगे देख सकते हो। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। शुनसुई क्योराको ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि हमेशा चिल रहता है, बट व्हेन अ कूल गाय लूजेस हिज कूल वी ऑल नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। शुनसुई पर्सनली मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है पूरे ब्लीच में एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अबाउट हिज बानकाई जिसका नाम है काटन क्योकुत्सु कारामात्सु शिंजू। और ये बात मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ कि आप ब्लीच फैन हो या ना हो, पर आई गेस आपने कहीं ना कहीं इसके बानकाई के बारे में जरूर सुना होगा। हालांकि इसकी बानकाई को लेकर लास्ट में मांगा में काफी ज्यादा रश कर दिया गया था, जिसके वजह से कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इसका बानकाई कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है, हमारे लेजेंडरी कैप्टन यामामोटो के मौत के बाद पूरी सोल सोसाइटी में एक ही बंदा कैपेबल है जो इनको रिप्लेस कर सकता है, और वो है शुनसुई क्योराको। एंड इसने यामामोटो को रिप्लेस किया है तो इसके पास भी उनकी तरह कोई ना कोई स्पेशल या ओवर पावर्ड बानकाई तो होनी ही है। एंड इसकी बानकाई इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये अपने ओपोनेंट्स को फोर्स करता है टू प्ले बाय हिज रूल्स, एंड जो इसके रूल्स को फॉलो नहीं करता वो सिंपली मारा जाता है। शुनसुई क्योराको ने खुद बोला हुआ है कि उसका शिकाई काटन क्योकुत्सु किसी भी चाइल्ड गेम को एक रियलिटी में बदल सकता है, एंड शायद सिमिलरली उसका बानकाई एक एडल्ट प्ले को एंड जो भी इसके बानकाई की रेंज में आएगा इंक्लूडेड शुनसुई उन सबको काउंट किया जाएगा एज अ प्लेयर ऑफ द गेम, एंड उसको सारे रूल्स फॉलो करने भी होंगे। अगर बात आई रूल्स की तो वो गेम टू गेम रेफर करते हैं, बट इनमें एक चीज कॉमन रहती है कि यू विन यू लिव यू लूज यू डाई। हमने चैप्टर नंबर 363 में इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया गया था, जहां हमने देखा था कि शुनसुई अपनी बानकाई को यूज करने का सोच रहा था अगेंस्ट एस्पाडा नंबर 1 कोयोट स्टार्क, बट ओकिटाके ने उसको वहां रोक दिया क्योंकि अगर शुनसुई अपना बानकाई यूज करता उस वक्त तो उसके रेंज में बाकी सारे लोग भी जो वहां फाइट कर रहे थे वो सब आ जाते, इंक्लूडिंग हिज कॉमरेड्स एंड ओकिटाके बीइंग अ क्लोज फ्रेंड ऑफ शुनसुई उसको ये बात पता थी। फिर ड्यूरिंग थाउजेंड ईयर ब्लड वॉर आर्क के दौरान हमने पहली बार इसकी बानकाई को देखा था इन चैप्टर 647, जहां उसने उसकी बानकाई को एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज किया था ड्यूरिंग बैटल अगेंस्ट क्विंसी, एंड बिफोर यूजिंग हिज बानकाई उसने मेक श्योर किया कि वहां पे जितने भी शिनिगामी हैं एंड उसका लेफ्टिनेंट है वो उससे दूर रहे, एंड उसने इवन अपने लेफ्टिनेंट से एडवांस में माफी भी मांगी क्योंकि शायद वो भी उसके बानकाई में ड्रैग हो जाता। शुनसुई अपने बानकाई को एक्टिवेट करने के लिए अपने दोनों ब्लेड्स को अपसाइड डाउन पोजीशन रखता है, एंड आफ्टर रिलीजिंग हिज बानकाई उसके पास के एटमॉस्फेयर में से काफी ज्यादा इंटेंस स्पिरिचुअल पावर रिलीज होता है, एंड चैडनेस को डिस्क्राइब किया था एज अ फीलिंग ऑफ डार्क एंड कोल्ड ड्यूरिंग दिस मोमेंट। ये ऑरा इतना इंटेंस होता है कि ओरी ही में पूरा ट्रेम्बल कर रही थी। शुनसुई की बानकाई रिलीज करने के बाद उसके सराउंडिंग से डार्क ट्रेड लाइक आर्म्स निकलते हैं, एंड उसकी बानकाई रिलीज होते ही अपने अपोनेंट्स के परसेप्शन को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लग जाती है, लाइक वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हैं एंड डार्क एंड होपलेस ग्लूमी टाइप्स ऑफ सिचुएशन बन जाता है, एंड वो ऐसा फील कराने लगता है जो कि उसके ओपोनेंट्स को मेंटली तोड़ने का काम कर जाती है। बाकी अगर हम मेनली इसके बानकाई के बारे में बात करें तो शुनसुई की बानकाई एक थिएटरिकल प्ले की तरह होती है जिसमें बेसिकली 4 एक्ट्स होते हैं, एंड ये प्ले 4 एक्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको कि आप 4 स्टेजेस की तरह समझ सकते हो, जिसमें शुनसुई एंड उसके ओपोनेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एंड अगर आप चारों एक्ट्स या चारों स्टेजेस को क्लियर कर लेते हो यू विल सर्वाइव, अदरवाइज आपका टाटा बाय बाय गुड नाइट सी यू हो जाएगा। एंड सारे एक्ट्स की अपनी ही एक स्टोरी होती है जो कि एक दूसरे से ऑफ कोर्स कनेक्टेड होती है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल प्ले इन अ थिएटर, एंड मैं थिएटर यानी सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थिएटर एक्टर्स एंड जो होते मैं उसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। इन चार एक्ट्स का मेन पर्पस ये होता है कि वो अपने ओपोनेंट को इतना वीक करके तोड़ दे कि वो एफर्टलेसली मर जाए, या अगर बाय चांस वो बच भी जाता है तो कम से कम उसमें इतना डैमेज हो जाए कि किसी तरह की इनक्यूरेबल इलनेस दे दे जिससे वो आगे जाकर कुछ ज्यादा डैमेज ना कर पाए। तो आखिर क्या है ये चार एक्ट्स एंड इनकी स्टोरी क्या है, तो चलिए पहले ये जान लेते। एक्ट 1 हेजिस्टेंस एंड अपोर्शनमेंट ऑफ वुंड्स। इस एक्ट को कुछ लोग शेयरिंग ऑफ पेन भी बोलते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट इस एक्ट के दौरान शुनसुई या उसका
ओपोनेंट जो भी वुंड इन्फ्लेक्ट करेगा एक दूसरे पर उसका असर उन पर खुद भी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शुनसुई का एक अटैक उसके ओपोनेंट को इंजर्ड कर जाता है तो वो खुद भी इंजर्ड हो जाएगा या वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट इस एक्ट की खास बात यह है कि कोई भी कितना क्यों ना बैडली इंजर्ड हो जाए वो मर नहीं सकता। ड्यूरिंग दिस एक्ट शुनसुई अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करता है जिसमें वो एक आदमी के बारे में बताता है जो कि उसकी पार्टनर के वुंड जैसे सिमिलर तरह के वुंड से सफर कर रहा होता है पर वो उस वुंड से मर नहीं सकता। एक्ट टू द पिलो ऑफ शेम। सेकेंड एक्ट के दौरान ब्लैक स्पॉट टाइप की चीजें अपीयर होने लग जाती है ओपोनेंट की होल बॉडी पर एंड वो कंटिन्यूसली ब्लीड करने लग जाता है एंड ये स्पॉट्स रिजेंबल करता है कि एक तरह की इनक्यूरेबल डिजीज को एंड ये एक्ट उसको ही अफेक्ट करेगा जो पहले अटैक करेगा। इसलिए आप लोग ने देखा होगा कि ड्यूरिंग दिस एक्ट शुनसुई वाज सो काम बिकॉज उसे पता था कि नो मैटर व्हाट उसको पहले अटैक नहीं करना है क्योंकि उसका रिजल्ट्स काफी ज्यादा डेडली है। यहाँ पर शुनसुई स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि वो आदमी अब रिग्रेट एंड शर्मिंदगी महसूस कर रहा है क्योंकि उसने अपने पार्टनर को इंजर्ड किया एंड अब वो इनक्यूरेबली इल हो चुका है। एक्ट थ्री द सीवियरिंग एबिस। सेकेंड एक्ट जैसे खत्म होता है इमीडिएटली तीसरा एक्ट शुरू हो जाता है जहाँ पे दोनों का एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज को देखी जाती है। इसमें मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर को स्वॉलो कर लिया जाता है शुनसुई और उसके ओपोनेंट के द्वारा एंड इनको इस डीप ओशन के अंदर रहना होता है जब तक दोनों में से किसी एक का रियात्सु डिप्लीट होके खत्म ना हो जाए और दोनों में से कोई एक डूबने ना लग जाए। यहाँ पे वाटर सरफेस भी होता है बट वो एक किस्म का बेट होता है क्योंकि अगर आप जितना ऊपर जाते जाओगे सरफेस की तरफ उतना ही आप डीपर चले जाओगे विच विल अल्टीमेटली लीड टू ड्राउनिंग। शुनसुई इस एक्ट को अपनी स्टोरी से कनेक्ट करते हुए बोलता है कि दोनों कैरेक्टर्स बहते हुए पानी के अंदर छलांग मारते हैं एंड दे ट्राई टू कंपेयर देयर कैपेबिलिटीज। एक्ट फोर या फाइनल एक्ट ट्रेड कटिंग सीजर्स अपॉन अ ब्लड स्ट्रीक थ्रोट। फाइनल फोर्थ एक्ट में शुनसुई अपने ट्रेड्स का यूज करता है जिसमें वो इस ट्रेड को मल्टीपल टाइम्स रैप करता है टाइटली एंड देन वो उसे पुल करता है जिससे उसके अपोनेंट का थ्रोट कट हो जाता है और उसका सर फट जाता है एंड डी एंड। यहाँ पे स्टोरी एंडिंग करते हुए शुनसुई बोलता है कि रिग्रेटफुल आदमी अपने पार्टनर के प्लीज इग्नोर करते हुए उसका गला काट देता है। चलिए यहाँ तो हमने इन चारों एक्ट्स के बारे में जान लिया कि यहाँ पे क्या होता है पर कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या शुनसुई सिर्फ एक ही तरीके का थिएटरिकल प्ले को यूज कर सकता है क्योंकि अगर वो सिर्फ एक ही तरीके के प्ले को यूज कर सकता है तो उसको डिफीट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता होगा है ना। क्योंकि अगर इसके एनिमीज को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके बानकाई के सारे एक्ट्स के बारे में तो उनको सिर्फ एक ऐसा बंदा भेजना होगा जिसका हायर रियात्सु हो शुनसुई से एंड देन दे कैन इजीली विन राइट। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे सही भी हो सकते हो और गलत भी क्योंकि अगर हम थिएटरिकल प्ले के बारे में बात करते हैं तो वो हमें स्पेसिफिकली नहीं बताया है मांगा में कि शुनसुई की बानकाई कितने प्लेस को प्ले कर सकती है। बट अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास मल्टीपल प्लेस है पर वो चूज नहीं कर सकता कि किस टाइम कौन सा प्ले यूज करना है फाइट के दौरान जिसकी वजह से हमने देखा है कि वो अपने कॉमरेड से दूर ही जाके अपने बानकाई को यूज करता है एंड जैसा कि हमें पता है कि शुनसुई की शिकायत किसी भी चाइल्ड प्ले को रियलिटी में बदल सकती है एंड हमने देखा है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड गेम्स को भी परफॉर्म कर सकता है ड्यूरिंग हिज फाइट्स। सो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है कि शायद वो मल्टीपल थिएटरिकल प्ले भी परफॉर्म कर सकता है अपनी बानकाई को यूज करके। कुछ लोग यहाँ पे ये तक बोलते हैं कि बानकाई के प्ले यूज जांपाक्टो पे डिपेंड करता है एंड वी डोंट नो दैट्स फॉर श्योर। और रही बात अगर कोई हायर रियात्सु वाला बंदा फाइट करता है शुनसुई के अगेंस्ट एंड हम अगर मान के भी चले कि उसके पास एक ही थिएटरिकल प्ले है देन आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पे भी कई सारे मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व रह जाते हैं जैसे कि एक्ट टू में जैसे ब्लैक स्पॉट टाइप की डिजीज हो जाती है जिससे उनका रियात्सु भी डिप्लीट होता है एंड ऐसे ही काफी सारे फैक्टर्स भी इसमें लागू हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी शिकाई अनबानकाई उसको एक्सप्लेन करती है एज अ पर्सन जैसे कि एक पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सफर कर रहा है पर वो बाहर से दूसरों को दिखा रहा है कि वो काफी ज्यादा खुश है एंड वो एक हैप्पी लाइफ भी जी रहा है पर सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि उसकी रियलिटी क्या है। ये है उसका शिकाई एंड ड्यूरिंग हिज बानकाई वो अपने अंदर के एंगर या डार्कनेस सबको ऑल आउट कर देता है जस्ट लाइक जब कोई बंदा पूरा टूट जाता है इमोशनली तो उसके आसपास की सारी चीजें बिखरने लग जाती है उसे कुछ अच्छा नहीं लगता वो होपलेस फील करने लग जाता है एंड इन सभी चीजों से बाहर आने के लिए वो अपना वर्ल्ड से एस्केप करने की पूरी कोशिश करता है जैसे ही वो डिफरेंट स्टोरी लिव करना चाह रहा हो
और यही सेम चीज अपना शुनसुई भी करता है ड्यूरिंग हिज बानकाई। वो एक डिफरेंट स्टोरी में रोल प्ले करता है। एंड अगर मैं सच कहूँ तो ये जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज रिलेट टू दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। हम लोगों को दिखाते हैं कि हम काफी खुश हैं, लाइक यू नो चेहरे पे हंसी, बट अंदर ही अंदर रियलिटी हमें ही पता है, या हमारे बेस्ट फ्रेंड को, या कोई ऐसा जिस पर हम हद से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उसे, पर कोई हमारी रियल प्रॉब्लम्स नहीं जानता एंड लोग हमें उस बेस पर जज करते हैं। एंड दैट्स व्हाई अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट को लागू करूं हमारी पर्सनल लाइफ्स के ऊपर, सो मे बी आपको कुछ कनेक्शन दिखने लग भी जाए। तो इन सब चीजों से हमें एक बात पता चल जाती है कि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लॉर्ड आइजन तो है नहीं। बाकी मैं चाहूंगा कि हमें ये सब चीजें आगे के राइटर की तरफ से क्लियर की जाए एंड फ्यूचर में हम इस कैरेक्टर को थोड़ा और देख पाए, क्योंकि मुझे जानना है एक्चुअली कि इसका बानकाई में क्या कोई और प्ले है कि नहीं, या हमेशा वो यही सेम प्ले यूज करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल गई होगी शुनसुई के बानकाई के बारे में समझने में। थोड़ा इजी करके समझाने की पूरी कोशिश की है मैंने, सो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। खैर ये तो मेरी थ्योरी है एंड मैं क्या सोचता हूँ शुनसुई के बानकाई के बारे में, एंड अब आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या थ्योरी है रिगार्डिंग उसके बानकाई के बारे में, वो आप कमेंट से मुझे बिल्कुल बताएं। मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर 50K सब्स। आई मीन कब के हो चुके हैं, बट फिर भी मेरा काम बनता है थैंक्स बोलना। एंड वही नहीं, आप चाहे तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको मिलेंगे टीम मेंबर्स, एंड आप हमारा इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं किसी और ब्लीच के वीडियो में या कोई और वीडियो में। अंटिल देन प्ले ऑन।